हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉइजी में। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविधान अधिनियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कंसेंट कहते हैं। आज इस कंसेंट में, फ्री कंसेंट वाले टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज के टॉपिक का नाम है फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि दो पक्षों के बीच में जब कोई अग्रीमेंट होता है, कोई करार होता है, तो करार संविदा का रूप तब लेता है जब उसमें कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए। मतलब सारे करार संविदा नहीं होते हैं, लेकिन सारी संविदाएं करार होती है। तो ऐसे करार जिसमें विधि के तत्व मौजूद है, मतलब लॉ ने कुछ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स की बात की है, अगर वो एलिमेंट्स उसमें मौजूद होंगे तो ऐसे करार संविदा बन जाते हैं। और यदि वो तत्व नहीं होंगे तो वो करार ही रह जाएंगे, संविदा नहीं होंगे। क्योंकि संविदा होगी तो न्यायालय आपकी मदद करेगी, कोर्ट में केस लगा सकते हैं और न्यायालय भी आपकी मदद करेगी, न्यायालय भी उपचार अथवा रेमेडी आपको उपलब्ध कराएगी। उसी में से एक एलिमेंट का नाम है सहमति। यदि सहमति नहीं होगी, दो पक्ष यदि एग्रीमेंट कर रहे हो और एक पक्ष की भी सहमति ही नहीं है उस चीज में, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, वॉइड मतलब शून्य हो जाता है। और ऐसी स्थिति में न्यायालय किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करेगी, यानी आपको उपचार नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, कंसेंट तो है लेकिन कंसेंट फ्री नहीं है, फ्री का मतलब स्वतंत्र नहीं है, तो इस स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। तो वॉइड और वॉइडेबल, शून्य और शून्य करणीय हो जाता है यदि कंसेंट का अभाव होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में अनेक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक संविदा में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे पक्षकार सक्षम होना चाहिए, पक्षकार वयस्क होना चाहिए, पक्षकार विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, पक्षकार जो है वो विधि द्वारा निर्योग्य घोषित नहीं होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सहमति होना भी जरूरी है। और आज का टॉपिक है सहमति, और सहमति कब स्वतंत्र होती है। तो कंसेंट का मतलब होता है दोनों पार्टी यदि एक ही बात पर एग्री है, यदि दोनों पार्टी एग्री है तो उसे कंसेंट कहा जाएगा। और एग्री भी सेम थिंग इन सेम सेंस, यानी एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना चाहिए। ऐसा नहीं मिस्टर ए के दिमाग में कुछ और पिक्चर चल रही है और मिस्टर बी के दिमाग में कोई और पिक्चर चल रही है, तो यहाँ पर कंसेंट एक जैसी नहीं होगी। कंसेंट तब एक जैसी होती है जब दोनों पार्टी समान भाव से, समान बात पर समान भाव से सहमत होते हैं, उसको कहा जाता है कंसेंसस एडिडम, यानी कंसेंट एडिडम। एडिडम एक लेटिन भाषा की प्रोवर्ब है, ये कहती है एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना, इसी को ही सहमति कहा जाता है। तो दोनों पार्टी जो है दोनों को कंसेंट होना चाहिए, ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की धारा 13 में बताया गया है। अब कंसेंट यदि नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, यदि कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन कंसेंट न सिर्फ होनी चाहिए बल्कि कंसेंट फ्री भी होना चाहिए, ना स्वतंत्र होना चाहिए। यानी कंसेंट स्वतंत्र का मतलब है कंसेंट में पांच बातें नहीं होनी चाहिए, वो कौन सी पांच बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ऐसा धारा 14 के लिए, तो सेक्शन 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट फ्री होना चाहिए। If not free, यदि कंसेंट फ्री नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल मतलब शून्य करनी है, जो एक पक्षकार के विकल्प पर वैलिड भी हो सकता है और एक पक्षकार के विकल्प पर वॉइड भी हो सकता है। अब कंसेंट में ये तत्व एबसेंट होना चाहिए, मतलब ये तत्व नहीं होना चाहिए। कौन कौन से तत्व? सबसे पहले कोएर्सन। कोएर्सन को हम धमकी भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यदि हमने कंसेंट धमकी से ली है, किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने की धमकी देकर कंसेंट ली है, तो ये कंसेंट मान्य नहीं होगी। ये कंसेंट कोएर्सन से कारित है, इसको उत्प्रेषण कहते हैं और प्रपीड़न भी कहते हैं। धारा 15 में प्रपीड़न को परिभाषित किया गया है। अंडू इन्फ्लुएंस, फिर कंसेंट जो है वो किसी दबाव प्रभाव के नहीं होना चाहिए। असम्यक प्रभाव इसे कहा जाता है, तो धारा 15 में असम्यक, धारा 16 में असम्यक प्रभाव यदि है तो भी कंसेंट फ्री नहीं है। फ्रॉड, फिर कंसेंट में फ्रॉड नहीं होना चाहिए। फ्रॉड का मतलब कपट, किसी प्रकार का असत्य या झूठ बोल के कंसेंट दी गई है, तो इस स्थिति में भी कंसेंट स्वतंत्र नहीं है, धारा 17 में इसको बताया गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या व्यपदेशन, झूठ बोलकर कंसेंट ली गई है, इन दोनों में एक बारीक अंतर होता है। ये 100% झूठ है, ये थोड़ा सा कम है, 80% 90% झूठ है, इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन धारा 18 में बताया गया है, यदि मिथ्या व्यपदेशन है तो भी कंसेंट फ्री नहीं है। मिस्टेक, और यदि भूल से, यानी कंसेंट जो दी गई है वो तथ्य की भूल से कंसेंट दी गई है, भूल है उसमें, धारा 20, 21 और 22 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है। तो इस प्रकार यदि कंसेंट में
कोएर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक व्याप्त है, यानी इसका अस्तित्व है, तो इस स्थिति में वो कंसेंट फ्री नहीं होगी, वह कंसेंट इनसे कारित होगी और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। तो वॉइडेबल तब होता है जब कंसेंट फ्री नहीं होती और जब कंसेंट ही ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो ये है मित्रों कंसेंट क्या होती है, कंसेंट कब स्वतंत्र होती है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में क्या क्या धाराएं बताई गई है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।